जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, यह वो शख्स था जिसने दुनिया को सबसे विनाशकारी ताकत दी। मैं बात कर रहा हूँ एटम बम की। ओपनहाइमर, जिसे भगवत गीता पर अटूट विश्वास था, जो विनाश को सृजन का भी एक रूप मानता था, लेकिन जब उसके बनाए परमाणु बमों ने जापान के दो शहरों को तबाह कर दिया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से सने हैं। वह उलझन में फंस गया कि उसे दुनिया को यह विनाशकारी ताकत देनी चाहिए थी कि नहीं। इस कहानी की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1939 से। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। अमेरिकियों को लगा कि अगर हिटलर ने परमाणु बम बना लिया तो वह दुश्मन देशों को मिटा देगा। ऐसे में अल्बर्ट आइंस्टीन समेत कई वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पत्र लिखा कि हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना निहायत ही जरूरी हो गया है। अमेरिकी सरकार की रजामंदी के बाद सबसे विनाशकारी बम बनाने पर काम शुरू हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ईशान, ओपनहाइमर समेत कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की एक टीम बनी, जिसका काम यह पता लगाना था कि परमाणु बम बनाया जा सकता है या फिर नहीं। साल 1942 तक यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। उस वक्त ओपनहाइमर अमेरिका में एटॉमिक मामले की सबसे बड़ी जानकार थे। वैज्ञानिक समुदाय के ही कई लोगों का मानना था कि ओपनहाइमर के अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता। आखिर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अगुवाई ओपनहाइमर ने ही की। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा से अपने संबंध खत्म कर लिए, ताकि सरकार को उसकी राष्ट्रभक्ति पर किसी तरह का संदेह ना रहे। परमाणु बम साल 1945 तक बनकर तैयार हो गया। अब बारी थी इसकी परीक्षण की। तारीख मुकर्र की गई 16 जुलाई 1945। उस दिन ओपनहाइमर सुबह से अपने बंकर में उस पल का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया को बदलने वाला था। उसके चेहरे पर घबराहट और थकावट दोनों भाव नजर आ रहे थे। उन्हें रात में बमुश्किल नींद आई थी। चिंता और धूम्रपान वाली खांसी की वजह से वह रात भर जागते रहे। जैसे जैसे परीक्षण की घड़ी नजदीक आ रही थी, ओपनहाइमर के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जुआरी ने आखिरी बाजी में अपना धन दौलत परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। सांस भी मुश्किलों से ले पा रहे थे ओपनहाइमर। शायद उसके मन में चल रहा था कि अगर यह परीक्षण सफल ना हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो उसकी चमक सूर्य से अधिक हो गई। 20 किलोटन TNT के बराबर बल के साथ यह अब तक देखा गया सबसे बड़ा विस्फोट था। इसके एक झटका पैदा किया जो 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। विस्फोट से मशरूम जैसा धुआं उठा और आकाश में छा गया।
ओपनहाइमर के चेहरा से चिंता के बादल छटे। उन्होंने विस्फोट से उठे धुएं की ओर देखते हुए भगवद गीता की एक लाइन पढ़ी, अब मैं सभी लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, दुनिया का विनाशक। यह गीता की 11वें अध्याय का 32वां श्लोक था। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए खुद को महाकाल बताते हैं। ओपनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत भी सीखी थी। परीक्षण वाली जगह से आने के बाद जब ओपनहाइमर गाड़ी से उतरे तो उसकी चाल में ऐसी अकड़ थी कि मानो वह दुनिया जीत कर आ रहे हों। शायद उन्होंने दुनिया को जीत भी लिया था अपने विनाशकारी हथियार की ताकत से। यह भी दिलचस्प संयोग था कि जिस हिटलर के खौफ से यह बम बना, उसने परीक्षण से करीब 2.5 महीने पहले खुदकुशी कर ली और जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए थे। लेकिन एशिया में युद्ध जारी थी क्योंकि जापान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जापान से सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने उसके दो प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए। इसमें लाखों लोग मारे गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस नरसंहार से ओपनहाइमर को बड़ा आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस तबाही का जिम्मेदार खुद को माना। ओपनहाइमर ने कहा कि परमाणु हथियार आतंक और विनाश के साधन है। हथियार बनाने को तो उन्होंने शैतान का काम कह दिया। अक्टूबर 1945 में ओपनहाइमर की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के साथ मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने ट्रूमैन से कहा कि मुझे लगता है मेरे हाथ खून से सने। ट्रूमैन ने उनसे कहा, खून तो असल में मेरे भी हाथों पर लगा है, बम गिराने का आदेश तो मैंने ही दिया था, इसलिए आप खुद को दोषी मत मानिए और मुझे ही इसकी चिंता करने दीजिए। यह बातचीत गीता के महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद की प्रतिध्वनि जान पड़ती है। अर्जुन के कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि उन्हें युद्ध जीतने के लिए अपने प्रियजनों की हत्या करनी पड़ेगी, जो कि घोर पाप है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को समझाया और उनके मन का बोझ हल्का किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन सब की हत्या तुम नहीं कर रहे, इसकी हत्या का उत्तरदायी तो मैं हूँ। तुम शस्त्र उठाओ और अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। वे सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम निमित्र मात्र बनो। बम बनाने के दौरान भी ओपनहाइमर और उसके साथियों को कई बार ख्याल आया कि वे विनाश का सामान बना रहे हैं। उन्होंने अपने काम से पीछे हटने के बारे में भी सोचा, लेकिन ओपनहाइमर ने अपनी और अपने सहयोगियों की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए गीता के डर को कई इस्तेमाल किया। उसका मानना था कि विनाश भी सृजन का ही एक चरण है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। ओपनहाइमर ने भी श्री कृष्ण की अपने साथियों से कहा कि साइंटिस्ट के रूप में उन
सबका काम सिर्फ बम बनाना है। वे इस निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है कि अध्यापक उपयोग कैसे और किस पर किया जाएगा। उसके हथियार में सिर्फ कर्म करना है। कर्म फल तो किसी और के हाथ में है। अगर इन हथियारों से किसी की हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार वे नेता होंगे जो इन्हें चलाने का आदेश देंगे। लेकिन परमाणु बम बनाने और उसे जापान के दो शहरों पर गिराए जाने के बाद ओपनहाइमर का नज़रिया शायद बदल गया। सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध के बाद उनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जिम्मेदारी मिली। वहाँ उन्होंने हाइड्रोजन बम और इस तरह के दूसरे विनाशकारी हथियार बनाने के खिलाफ दलील दी, जिनके लिए रास्ता उन्हीं की कामयाबियों ने खोला था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दशकों में ओपनहाइमर एक समांतर रेखा के बीच झूलते रहे हैं। एक तरफ उन्हें बम बनाने की तकनीकी उपलब्धि पर गर्व था, तो दूसरी ओर मानव जाति पर उसके दुष्प्रभावों का अपराध बोध। हालांकि उन्हें यह भी लगता था कि अगर जापान पर परमाणु बम ना गिराया जाता तो शायद और भी लोग मारे जाते, क्योंकि अब सारी दुनिया पर कब्जा करने के लिए सनक लिए जर्मनी और जापान रुकने वाले नहीं थे। ओपनहाइमर ने कई बार कहा कि बम का बनना तय था, अगर वह इसे नहीं बनाते तो कोई और बनाता। गीता के अनुसार खुद को निमित्र मात्र मानते थे ओपनहाइमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।